अमेरिकन, क्या हाल है? आज पहली स्क्रीनिंग हो गई। कैसा रहा? गुड। तुम कहाँ हो? यही हॉस्टल में। ऑफिस नहीं गई क्या? लीव ले ली। तुम्हें मैसेज किया था, देखा नहीं? मैसेज मैंने देखा नहीं, अब तक मैं थोड़ा बिजी था। बात क्या है? मैंने शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे उन्हें खर्च करने का समय आ गया। क्या मतलब? एक प्रपोजल आया था, घर में सबको बहुत पसंद आया। ओह, उसे मिली क्या? अब तक नहीं मिली, बस फोटो देखी है। आज दोपहर को मिलने वाली हूँ। फोटो में कैसा दिखता है? नॉट बैड। तुम बताओ क्या करना चाहिए? कभी ना कभी तो शादी करनी ही है, जाके एक बार मिलके देख लो। ओके बाय। ओके बाय। अगर वो इतनी ऊंचाई पे ना पहुंचता तो शायद मैं पूछ लेती, तुम मुझसे शादी करोगे? क्या हुआ? मैं ना तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था। All the best. Thanks. अर्शद का कुछ पता चला? आई एम बस्टिंग माई ass 24 hours a day फॉर योर मूवी। मरिया, नॉट योर मूवी, इट्स आवर मूवी। He doesn't think that. We need money when we need it. It's our responsibility to do the next screening now. I cannot handle this much stress now. Okay, let's just... If you wanna do another screening,
you come up with the money. Okay? When you have it, call me. कोई बात नहीं. Whether or not you decide to do another screening, it doesn't matter. But you have to come up with the $10,000 that you owe to the company by tomorrow. Okay? Okay? They will sue you. You saw it on your contract. Say something, Isaac. Maria, you please go ahead and do whatever you want for the next screening. Please. Right. फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा. मेरे पास पैसों का शॉर्टेज है ऐसा नहीं है, पर मैंने ऑलरेडी मनी ट्रांसफर कर दिया है. मुझे पता है कल तक क्रेडिट हो जाएगा, पर मारिया को समझाना मुश्किल है. यहाँ पर हमारी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, हम एक बार उनसे बात करेंगे तो ये पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अरे नहीं नहीं, मैं इस हालत के बारे में फेसबुक पे पोस्ट करूँ तो दुनिया भर में जो हिंदी सिनेमा के लवर्स हैं वो ज़रूर मेरी मदद करने के लिए आगे आएंगे, कोई डाउट नहीं. जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही कलेक्ट हो जाएगा, पर ये मुझे पसंद नहीं. अब इसके लिए फ़ायदा हो या नुकसान वो मैं ही सहूँगा. हाँ, पर सबके पास से मैंने जो उधार लिए हैं उसे कैसे लौटाऊँ, ये प्रेशर मैं बिल्कुल नहीं सह सकता. आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं क्या? जब तक यहाँ स्क्रीनिंग पूरी नहीं हो जाती, मेरे रहने के लिए कोई जगह अरेंज कर देंगे क्या? हम अभी मेरे एक फ्रेंड के फार्म हाउस जा रहे हैं. यहाँ से 200 किलोमीटर है. 200 किलोमीटर बोला जाए तो ज्यादा दूर मत समझना, दो घंटा लगेगा. कितना भी दूर हो कोई परवाह नहीं, स्क्रीनिंग पूरी होने तक मैं इंडिया जब तक लौट नहीं जाता, मेरे लिए कोई भी रहने की जगह काफी है. तुम्हारे जैसे क्रिएटिव लोगों के लिए वो जगह परफेक्ट है. पूरा घर पहले ही साफ करवा दिया है, वहां रखो. वो 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं. तुम्हारे रहने के लिए जगह ठीक है ना? सच कहूँ तो पिछले कुछ सालों से मैं एक चीप लॉज में रह रहा हूँ, वो भी एक छोटे से रूम में. मेरे लिए तो ये लग्जरी है. इस रोड पर स्ट्रेट जाके लेफ्ट में एक सुपरमार्केट है, तुम्हें जो चाहिए वहाँ मिल जाएगा. अगर तुम खाना बनाना चाहते हो तो वहाँ किचन भी है. अब मैं चलता हूँ, मुझे वाइफ को पिक करना है. ओके.